राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में प्रथम बार आई थी ना, और प्रथम बार आने के तत्पश्चात मैं जिस महिला से मिली थी, आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवा रही हूँ। लोग कहते हैं कि भैया ब्रज धाम में मैं अकेली आ जाऊंगी, मैं पहली बार आ रही हूँ। ये आंटी 60+ हैं और पिछले 20 साल से श्रीधाम वृंदावन में रह रही हैं। पहले अपने पति के साथ रहती थी, पति के देहांत के पश्चात ये अकेले वृंदावन में रह रही हैं। कम से कम 5-6 साल हो गए हैं पति के देहांत को भी, श्रीधाम वृंदावन में अकेले रह रही हैं। और 5-6 साल से इन्होंने वृंदावन के बाहर कदम नहीं रखा, ना अपने बच्चों के पास जाती हैं, ना कहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रीधाम वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती हैं। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कहते हैं कि हम श्रीधाम वृंदावन तो आ जाएं, लेकिन हम अकेले रह कैसे पाएंगे। तो चलिए मैं आज आपको उनकी आंटी से मिलवाती हूँ, उनकी स्टोरी सुनवाती हूँ कि ब्रज में वास उनको आखिर कैसे मिला, कैसे एक दिल्ली NCR के कपल जो कि सरकारी नौकरी में क्रियान्वित थे, कैसे वो श्रीधाम वृंदावन मात्र घूमने आए थे और ठाकुर जी ने उन्हें दे दिया उनका आशियाना प्रथम बार में ही। कहते हैं ना, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो ठाकुर जी के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो चलिए मिलवाती हूँ मैं आपको आंटी से। राधे राधे आंटी। जय श्री राधे। कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा आंटी, आपका नाम क्या है? विजयलक्ष्मी। कितने सालों से श्रीधाम वृंदावन में रह रही हो? हम वैसे तो 20 सालों से हैं यहाँ पर। 2006 में हमने मकान लिया था, तब मेरे हस्बैंड जिंदा थे, तो मेरे हस्बैंड जिंदा थे तो हम आते जाते रहे, 2 साल रहे, 2.5 साल रहे, 6 महीने रहे। लेकिन अब उनके जाने के बाद मैं यहाँ पर परमानेंट हूँ 5 साल से। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप अकेले रहते हो, कभी बच्चों के पास जाने का मन नहीं करता? नहीं, मैं अकेली यहाँ क्यों हूँ? मेरे ठाकुर जी हैं, मेरा वृंदावन धाम छोड़ के किसी को मिलने को कहीं जाने को मन नहीं करता। मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं वृंदावन हमेशा के लिए वास करूं, लेकिन मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट थे, उनको शुगर थी, तो उनका CGS का डिफेंस में थे, तो सरकारी इलाज चल रहा था, तो इस वजह से हम लंबे टाइम तक नहीं रह पाते थे। हमें वापस गुरुग्राम में उनके इलाज के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उनके बाद तो फिर वहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों रहूं? तो मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं वृंदावन हमेशा के लिए वास करूं, तो वो ठाकुर जी ने पूरी कर दी। अच्छा, आपने गुरुग्राम जैसी सिटी से, दिल्ली NCR से आप लोग श्रीधाम वृंदावन आने की कैसे सोची? हम एक बार ऐसी अपने पति पत्नी बैठे थे, दिल से बहुत परेशान थे, तो मैंने उनको पूछा कि वृंदावन में क्या आपके रिलेटिव रहते हैं? उन्होंने बोला हाँ, मेरे भाई के बच्चे रहते हैं। तो बस हम उस टाइम पे बोला चलो ठीक है, 2-4 दिन के लिए घूम आते हैं, मंदिर घूम आते हैं, हमारा मन और तरफ होगा। वैसे हमने 200 गज का मकान बना रखा था, लेकिन घर में टेंशनों की वजह से हम उदास हो गए थे। तो हम आए तो घूमने फिरने आए थे 1-2 दिन के लिए, लेकिन हमने एकदम अचानक मकान ले लिया। वो बोले कि आप कहाँ जा रहे हो, चलो थोड़ा सा घूम लो वृंदावन। हमने अटैची बैग सब रख दिए, तो हमारे साथ ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम अटैची बैग उठा लिए, बस में बैठने ही वाले हैं, तो एक आगे बोले अरे अभी तो जा रहे हो, शाम को चले जाना, अब थोड़ा वृंदावन घूमो। हम घूमे तो हमें मकान पसंद आ गया, हम 100 रुपये उसे पकड़ा के चले गए और अगले दिन टेम्पू भर के लिए आए। और जिसने 100 रुपये दिए वो भी हैरान, कह रहा आपने ना फ़ोन किया ना चिट्ठी पत्र आ गया, अचानक कैसे आ गए? हमने बोला आप पेमेंट दो और हमें मकान दो, हम तो सामान लेके आ गए और हमें किराए पे रहने की आदत भी नहीं है। तो उसको वो भी ऊपर से नीचे तक हिल गया, भाई ये क्या हुआ अचानक, तो उससे भी नहीं। और सब लोग कह रहे कि अरे वो तो बड़ा चालाक निकला, उसने हमें बताया भी नहीं, मकान बेच दिया। मैंने कहा उसे खुद ही नहीं पता कि मेरा मकान ऐसे 1 सेकंड में बिकेगा। मतलब जैसे कि आप 20 साल पहले श्रीधाम वृंदावन घूमने आए थे, 20 साल पहले प्रथम बार ही आप श्रीधाम वृंदावन घूमने आए थे, और प्रथम बार में ही आपने मकान का बयाना दे दिया था, यही हुआ था आपके साथ? हाँ जी, प्रथम बार ही ठाकुर जी ने हमें जाने नहीं दिया। हम जैसे घर से परेशान होके आए थे, ठाकुर जी ने जाने नहीं दिया, लेकिन
जब भी हम अपने बच्चों को ये बात बताती हैं तो वो नहीं मानते, कह रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी बकवासबाजी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें तो हमारे साथ ठाकुर जी हैं तो हमें तो बकवास नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, मुझे घर में बंद कर दिया मेरे सौतेले बेटों ने, तो बोला नहीं वृंदावन नहीं जाएगी, वृंदावन नहीं जाएगी, उनकी पीछन वगैरह सब आप लो, हम आपको रोटी देंगे, नहीं वृंदावन नहीं जाएगी। 3 महीने मैं रोती रही, ठाकुर जी मुझे बुलाओ, ठाकुर जी मुझे बुलाओ, मुझे वृंदावन आना है, मुझे वृंदावन आना है। तो ठाकुर जी ने एक दिन मेरी पुकार सुन ली और मैं दिल्ली वाले लड़के के पास रह रही थी बेमन से, तो वहीं पे पास में एनजीओ था और मैं वहाँ पर गई, जो मैंने इसे नौकरी की हुई थी वहाँ शादी से पहले, तो उन्होंने मुझे बचा लिया और वृंदावन भेज दिया। मैं इतनी हैप्पी हुई, सब वो बोलने लगे आपका सामान, आपका सोना, आपका चांदी, आपके रुपये पैसे, मुझे कछु नहीं चाहिए, मुझे ब्रिजधाम मिल गया और मुझे क्या चाहिए। मैं एक सूट में यहाँ आ गई, सिर्फ एक ही कपड़े मेरे तन पे थे और मैं ब्रिज में आके रहने लग गई, और धीरे धीरे ठाकुर की कृपा से मेरी पेंशन भी आ गई और घर में मैं थोड़ा थोड़ा सामान लाई। मेरा हाथ भी टूटा हुआ था, मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया था मेरे हस्बैंड की एक हफ्ता पहले, तो एक हफ्ता पहले ही हुआ, ना आगे ना पीछे, ना 16 साल में। मैंने कहा हाथ क्यों टूटा मेरा, फिर एक हफ्ते बाद ये ख़त्म हुए तो मुझे समझ में आया, अच्छा हाथ इसलिए टूटा क्योंकि अब मेरे हाथ से उनकी सेवा अब ख़त्म होने जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। शुक्र कोई मेरा हाथ टूटा और शुक्रवार को ही वो बीमार हुए और वो मंगलवार को, और वो इतने अच्छे दिन गए, विजयदशमी वाले दिन, जिस दिन राम जी ने रावण पे विजय प्राप्त की थी, उतने अच्छे दिन गए। और एकादशी और विजयदशमी का मिलन था आपस में, तब गए वो, तो उनके बच्चे कहते हैं कि हमारा बाप दशहरे पे रावण गया है, उन्हें मालूम ही नहीं है विजयदशमी पे राम जी ने रावण पे विजय प्राप्त की थी और एकादशी का भी मिलन था, उन्हें मालूम ही नहीं है एकादशी और दशमी पर। आंटी पहले तो अंकल जी आपके साथ रहते थे, लेकिन अभी आप 5-6 साल से श्रीधाम वृंदावन में अकेली रह रही है, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे पास पड़ोस ने बहुत हेल्प की, मेरे साथ थे। मैं जब आई तो मैं जब वृंदावन में पैर रखा तो ठाकुर जी का नाम लिया, वो ठाकुर जी हमेशा रहे मेरे साथ। मैं एनजीओ से बस में आई, मुझे डर नहीं लगा कि रास्ते में मुझे कोई रोक लेगा, नहीं डर लगा, बिल्कुल नहीं लगा, क्यों मेरे साथ ठाकुर जी थे। लेकिन किसी से कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे बचाने आएगा, मेरे जो थे आसपास मैंने फ़ोन भी किया, मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी पापा तो ख़त्म हो गए, मेरे भाई थे, बहनें थी, कोई नहीं आया मुझे बचाने, मेरे ठाकुर जी मुझे बचाने आए। ठाकुर जी जब पैदा हुए थे खुद भी तो जेल से निकले थे ना, सब जंजीरें तोड़ के, तो वो मुझे क्यों नहीं सब जंजीरें तोड़ के लाते, इसीलिए मुझे अपने पे विश्वास था कि मैं किसी ना। आंटी आपका कभी अपने बच्चों के पास जाने का या फिर मिलने का मन नहीं करता? नहीं, मेरा मन नहीं करता, जब से मैं वृंदावन ब्रिज रच के वृंदावन राधा रानी के चरणों में आ गई हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्यों, हमें जब ब्रिज धाम मिल गया, ब्रिज रज मिल गई, ब्रिज रज, हम हमारे पता नहीं कौन से पाप पुण्य जो थे वो मुझे वृंदावन खींच लाए, नहीं तो वृंदावन के लिए दुनिया तरसती है, वो आ नहीं पाते हैं। हमें तो ठाकुर जी ने बुलाया है, खुद अपने चरणों में जगा दिया है, तो फिर क्यों, वो तो आज है कल नहीं है, संसार तो आज है कल नहीं है, ठाकुर जी तो हमारे साथ मरते दम तक है, आखिरी श्वास तक है। अच्छा आंटी, आप 5-6 साल से यहाँ पे अकेले रह रही हो, कितने साल आपको ऐसा हो गया कि आप ब्रज छोड़ के अभी तक बाहर नहीं गए, कितने सालों से आपने ब्रज के बाहर कदम नहीं रखा? मुझे 5 साल हो गए, सब मुझे बोलते हैं कि हमारे वहाँ दिल्ली में शादी है या कोई प्रोग्राम है, हम आपको लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप मथुरा वृंदावन में कहीं प्रोग्राम है तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगी, ये मैंने सोचा हुआ। आंटी को मैं तब से जानती हूँ जब से मैंने यहाँ पे अपना घर लिया था, बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं, रोज सुबह सुबह आके राधे राधे करती हैं और मेरी शादी की सालगिरह पे भी उपस्थित रही थी। हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल होता है, अगर हम श्रीधाम वृंदावन में बनाते हैं तो उनको जरूर जरूर बुलाते हैं। तो अभी मैं श्रीधाम वृंदावन में 15-20 दिन रहने वाली हूँ और ये
आंटी के साथ मैं पूरे 15 से 20 दिन रहूंगी। मुझे लगा कि इनकी स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि लोग ये सोचते हैं कि 15 से एक अकेली वृद्ध महिला श्रीधाम वृंदावन में कैसे रहेगी, तो उनके लिए आंटी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इतने सालों से आंटी ब्रज में अकेली रह रही हैं, ठाकुर जी पे विश्वास करके रह रही हैं। देखिए डंडो, एक डंडा है ये का, जब भी आप आंटी को देखोगे ना, ये एक आंटी का डंडा है, ये आंटी इसको लेके चलती हैं ताकि बंदर बंदर कोई हानि ना पहुंचा दे। अपने खाने पीने का भी बहुत अच्छा ध्यान रखती हैं, जो उनको सूट नहीं करता वो चीज़ नहीं खाती हैं, और उनका पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास ठाकुर जी पे है। आंटी जो लोग श्रीधाम वृंदावन में आना चाहते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि हम पता नहीं किसके सहारे रहेंगे, कैसे रहेंगे, हम अकेले हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर उन्हें खुद पे विश्वास है और ठाकुर जी पे विश्वास है तो यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं। जिनके पास घर नहीं है वो 20-20 साल से ब्रज धाम में रह रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और आश्रमों में खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके बच्चों ने धक्का दे दिया घर से, मेरे पास तो फिर भी मेरे पति मेरे को पेंशन मकान दे के गए हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने रातों रात अपने माँ बापों को घर से बाहर निकाल दिया, और कोई अंधा है, कोई वृद्ध है, कोई चल नहीं पाता, वो भी ब्रज धाम में आकर वारे न्यारे हो गया, वो भी फल फूल गया, वो भी अच्छे से रह रहा है, दवाई से, खाने से, आश्रम से उसको कोई दिक्कत नहीं है, पहनने से, ओढ़ने से, यहाँ सब चीज़ की सुविधा है, सब चीज़ मिलती है, पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, ब्रज धाम में आ गए तो कोई कमी, लेकिन जब ठाकुर जी के चरणों में आके रहो तो तुम्हें सुसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू आंटी, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।